धोने में समय लगेगा, क्योंकि हम साधना निरंतर नहीं करते। हम लोग कोई सर्विस कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, घंटे दो घंटे चार घंटे बहुत से बहुत धर लो हम डेली साधना करते हैं और 20 घंटे मक्कारी करते हैं। मक्कारी माने संसार के एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों के गंदे गंदे आइडियाज हमारी खोपड़ी में आते हैं, तो हमारा अंतःकरण जो थोड़ा बहुत शुद्ध होता है एक दो चार घंटे में वो फिर लीपोत बराबर हो जाता है। हमने 10 रुपया कमाया और 15 रुपया खर्चा कर दिया तो अंतःकरण शुद्धि कैसे होगी? हमारा कपड़ा इतना गंदा है कि उसमें बार बार साबुन लगाओ और शुद्ध पानी में मैल धो दो, फिर साबुन लगाओ फिर शुद्ध पानी में धो दो, फिर गंदगी में न डुबो कपड़े को, तब साफ होगा। और हम साधना भी करते हैं और संसार में अटैचमेंट भी करते हैं, क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष ये सब दोष भी हमारे अंदर आते हैं संसार को देख करके सुन करके, ये गड़बड़ हो जाती है। इसलिए अंतःकरण शुद्धि में समय लगेगा, एक जन्म लगे, दो जन्म लगे, 10 जन्म लगे, लेकिन इसकी परवाह नहीं। जिस जन्म में हम लगातार लग जाएंगे, एक सेकंड को गैप न हो, हर समय वही सोचना वही सोचना, तो जल्दी अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तब सब नायक दोष अपना अपना बिस्तर बांधकर अंतःकरण से निकल जाएंगे। कोई टेंशन नहीं किसी प्रकार की, कोई भी बीमारी हमारे अंदर पैदा नहीं कर सकता। हजार गाली दे कोई असर नहीं होगा हमारे ऊपर। अभी तो एक वाक्य बोल दे माँ बाप बीबी तो आग लग जाती है। अरे अभी तो बड़ा गड़बड़, अभी तुम धोखे में न पड़ जाना, हमको भगवान का दर्शन हुआ था सपने में। अरे सपने में हो चाहे जहां हो सब गलत है, अभी तो बहुत दूर है मंजिल। अभी आंसू बहाया तुमने कितना, खाली थोड़ा सा रूप ध्यान कर लिया या थोड़ा तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, इससे काम नहीं बनने वाला। तो साधना करते करते जब अंतःकरण शुद्ध हो और फिर दिव्य हो, तो फिर भगवान से हमारा संबंध व्यवहार ऐसा ही हो जाता है जैसे हमारे बाप माँ बीबी पति से होता है साक्षात। फिर उसमें कल्पना की बात नहीं रह जाती। और जब ये इतना यहाँ हो जाएगा मरने के पहले, तब गोलोक मिलेगा।